हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है 23rd मार्च 2023 और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं लेकर आ रहा था कि नेक्स्ट डे के लिए लाइव नहीं अभी आ पा रहा हूँ। गाइस, मैंने अभी नया जो है वो लाइव मार्केट में MCX के लिए आना स्टार्ट किया हूँ। फिलहाल दिन में अभी थोड़ा सा टाइम का मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सेकेंड हाफ में मुझे टाइम मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं 7 बजे से लेके 7:30 बजे के आसपास में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस वगैरह का लाइव मार्केट में मैं अभी आ रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो लाइव मार्केट में MCX में ट्रेड कर सकते हैं मेरे साथ लाइव, और आप अच्छा ट्रेड वहां पर उठा सकते हो। ऑलराइट, चलिए निफ्टी बैंक ऑफ फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे और 3 से 4 स्टॉक इंट्राडे या स्विंग ट्रेड में क्या बेहतर लेवल होंगे, सारा कुछ आपसे डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। करेंट लेवल पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे गाइस, तो बैंक निफ्टी एक अच्छा सा यहाँ पर आप देखो एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ दिखा है और एक अच्छा खासा स्ट्रेच होने के बाद इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा, कंप्लीट डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाया जा सकता है कल, वो आप देखें। मुझे कहीं ना कहीं गाइस एक बहुत बड़ा निगेटिव सिंबल मुझे बनता हुआ दिख रहा है कुछ इस तरह से। मार्केट क्या किया है, नीचे आने के बाद थोड़ा स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, एक नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है गाइस, तो यहां से एक बड़ी फॉल आ सकती है। थोड़ा कॉशस रहे, इन्वेस्टमेंट पे अभी ध्यान दें, अपने पोर्टफोलियो को टाइट बना के रखें, स्ट्रिक्ट SL के साथ ट्रेड करें यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। और अगर गाइस मेरी बात को याद रखें, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है तो आप मेरी बात को याद रखिएगा, इस बार अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करके ट्रेड करना चालू कर गया तो मार्केट इस बार बहुत छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा फॉल कर सकता है। आने वाले टाइम में 37,000-38,000 का लेवल भी आपको देखता बनता हुआ दिख सकता है। जी हाँ गाइस, मजाक की बात नहीं, रियल बात बता रहा हूं। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो ट्रेड करना चालू करता है डेली के टाइम फ्रेम में, ध्यान रहे डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, डेली के टाइम फ्रेम में इसके नीचे अगर क्लोजर आती है तब जाकर के एक बहुत बड़ा निगेटिव सिंबल बनता हुआ मुझे दिखेगा यहाँ पे। ऑलराइट, लेकिन इंट्राडे में कल किस तरह ट्रेड किया जा सकता है मैं वो आपको बता देता हूँ, किस तरह से कौन सा टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल होगा जहां ट्रेड करेंगे मैं बता दूंगा। इस मार्केट यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखा था, इस ट्रेंड को भी ब्रेक किया है, मार्केट का पहला जो लो था उसको भी ब्रेक कर चुका है, ये लो था उसको ब्रेक कर चुका है, इसका जो नेक्स्ट लो आ है वो यही लेवल है। यानी मार्केट हो सकता है कल गैप अप गैप डाउन इस लेवल पे आए, या फिर कहीं पर भी इस रेंज में ओपन होता है तो आपको नेगेटिव सिंबल में ट्रेड करना 39,400 का लेवल इंट्राडे में दिख सकता है, 39,580 है। अगर कल मार्केट इसके नीचे आता है 39,500 के नीचे आता है गाइस, तो 39,400 का लेवल 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको दिख सकता है। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट नहीं बनाता और नीचे अगर आ गया तो ध्यान रहे अगला टारगेट आपको और नीचे मिल सकता है, वो 38,980 का भी बनता हुआ दिख सकता है गाइस। मार्केट थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर सेंटीमेंट निगेटिव दिख रहा है मुझे प्राइजेक्शन के हिसाब से, तो कल बाइंग के तरफ तो बिल्कुल थोड़ा सा संभल के देखें, अगर बाइंग के तरफ कुछ होगा अपडेट तो लाइव मार्केट में देने की कोशिश करूंगा। चलिएगा निफ्टी को देखते हैं किस तरह ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी का अगर आप देखें यहाँ पर तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ मुझे दिखा तो था यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जीरो हीरो का ट्रेड आपको मैंने पोस्ट किया था 17,200 का कॉल टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम वाले पे, ₹15 बताया था कि हाई 32 का लगाया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। आप जाए चेक करें हमारे टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज गो एंड ज्वाइन गाइस। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट का एक ये लेवल है जो कि एक सपोर्ट जोन बना था, इसके नीचे अगर आता है तो ही ट्रेड करना है नीचे का। 17,030 के नीचे मार्केट 5 मिनट या 15 मिनट में क्लोजर देता है तो आपको पहला टारगेट 17,030 से आपको मिलेगा 16,950 का, लगभग 80 पॉइंट है। 16,950 के नीचे अगर ब्रेक करता है तब जाके 16,840 का ट्रेड मिलेगा। ऊपर अगर मार्केट को जाना तो इस लेवल के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा 17,200। 17,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता तो ही अब हम अच्छा खासा ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्लान नहीं दिख सकता है नीचे आने इस लेवल पे। और अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर बनता है तो एक वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। राइट, चलिए निफ्टी फाइनेंस को देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है।
और कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी फाइनेंस भी कुछ उसी तरह पैटर्न बनाया है, इस लेवल पे आया गया, अगर नीचे जाना हुआ इस लेवल के नीचे इसे ठोकने का विचार करें, और ये लेवल है 17,680। 17,680 के नीचे आता है पहला टारगेट, 17,610 का होगा, 17,610 के नीचे आएगा तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो 17,550 के लिए, क्योंकि एक छोटा सा गैप है 17,550 इंट्राडे के लिए। ये अगर आपको ऊपर के लिए ट्रेड करना है गाइस, कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही आपको ट्रेड के बारे में सोचना पड़ेगा। 17,810 के ऊपर जाता है तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ये जोन आपका एक वोलेटिलिटी क्रिएट होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट, इसको ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आपको मैंने बताया था कुछ स्टॉक, आपको बताता हूँ इंट्राडे के लिए कौन कौन से वो स्टॉक है और किस लेवल पर ट्रेड किया जा सकता है, तो चलिए वो भी देखते हैं। पहला जो स्टॉक है गाइज मेरा पिक है यहाँ पर, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव मुझे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद जो है एक शूटिंग स्टार बनाता हुआ दिखा है और इसका ब्रेकआउट भी करता हुआ दिखा है। मार्केट अगर कल इसके लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो एक और फॉल कंटिन्यू कर सकता है। 1560 के नीचे अगर आता है, 1560 के अगर नीचे आता है एक अच्छा खासा मोमेंटम मैं देख सकता हूँ। 1560 के नीचे ट्रेड इंट्राडे में 1545 लगभग 15 पॉइंट का ट्रेड हो सकता है। स्टॉप लॉस आपका छोटा होने वाला है, वो होगा 1570 का, 10 पॉइंट के ऐसे होगा, 15 से 20 पॉइंट का आपका टारगेट इंट्राडे में HDFC बैंक में नीचे का तरफ का हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक है गाइस उसका नाम है रिलायंस। आप सोचेंगे सारे बेहतर स्टॉक लेके आए, यस बिल्कुल, आज मैंने वही सारे स्टॉक को पिक किया है। ये पिक बहुत बढ़िया ट्रेड था, यहाँ पर देखे ये मैं 5 के अकॉर्डिंग भी अच्छा ट्रेड था, मैंने यहाँ लगाया नहीं, ऊपर में गया था। एक यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश करना चाहिए इसे, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है 2245 के नीचे अगर आता है गाइस तो आपको टारगेट 2215 का मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए इस 50% के ऊपर लगभग 2264 का, एक अच्छा खासा या और छोटा सा नीचे लेके ट्रेड आप किया जा सकता है। इस तरह का स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री करें, इसके नीचे ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट होगा, इस तरह ट्रेड आप कर सकते हैं रिलायंस में इंट्राडे के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है गाइस भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मार्केट को ट्रेड करना है तो 765 के ऊपर ट्रेड करना है। 765 अगर नीचे ओपन होके उसको ब्रेक करता है 5 या 15 मिनट के ऊपर का ट्रेड करेंगे, 765 के ऊपर जाता है, हमारा 8 पॉइंट से 10 पॉइंट का टारगेट होगा, 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा गाइस, और इस तरीके से आप ट्रेड इंट्राडे का भारतीय एयरटेल में कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को का बेहतर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा है, एक रेंज में यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के ऊपर बनते हुए दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर आइदर मेक और ब्रेक के लेवल पे है, बाई कब करना है, इस लेवल के ऊपर ही आपको बाई करना है। अगर नीचे से ऊपर होकर के क्लोज करता है ऊपर में तो बाई करें, अदरवाइज मार्केट क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे नीचे भी आ सकता है, ध्यान रहे 401 एक राउंड लेवल पे भी है तो 401 के ऊपर बाई करेंगे, 4 से 5 पॉइंट का टारगेट होगा, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है हिंडाल्को को। गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ये जो स्टॉक्स मैंने बताए इनमें कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लेवल पे दिख रहा है, HDFC बैंक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल और हिंडाल्को, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको गाइस अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले गाइस। एक और यहाँ पर डिस्क्लेमर बता दूं, मीडिया वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ होता है कि आपको एजुकेशनल पर्पस मिले और आप लर्निंग कर पाओ। तो गाइस अगर आपको कोई भी ट्रेड करना हो तो प्लीज 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 अपने एडवाइजर से एडवाइस लें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें गाइस। तो आज के लिए मैं यही पर रहने देता हूँ गाइस, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।